बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके तहत सरकार तो अपने कदम उठा रही है, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर इस चीज़ में काम नहीं करेगा तब तक के इस चीज़ में हमारा योगदान क्या रहेगा। तो इसी को सोचते हुए हमने सरकार की मदद करते हुए एक पहल शुरू की है कि हमारे यहाँ अगर अस्पताल में कोई भी नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन सिजेरियन सेक्शन से अगर बेटी पैदा होती है तो उसमें सारे अस्पताल के चार्जेस जो हैं वो निःशुल्क किए जाएंगे। देख रहे हैं कि हमारे देश में या बुरहानपुर शहर में भी ज़िले में भी अगर हम देखें तो लिंग अनुपात जो है, जो लड़कियों की जो वो है पॉपुलेशन है, वो कम होती जा रही है। और कहीं ना कहीं बेटियों के पैदा होने पर जो है माँ बाप बड़े दुखी हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। लेकिन हमने हमारे हॉस्पिटल में जब बेटी पैदा होती है तो ये देखा है कि भाई खुशी की लहर मतलब जो है वो आ जाती है माँ बाप के चेहरे के ऊपर, क्योंकि उनको कोई चार्जेस नहीं देने हैं और किसी तरह का कोई बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और बेटियाँ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि कल का भविष्य है, तो बेटियों के लिए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी शिक्षा के ऊपर उनकी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। उसी को देखते हुए हमने ये पहल की है। लड़कियां जो है वो आज हम देख रहे हैं कि लड़कों से कदम मिलाकर चल रही हैं और कहीं से भी पीछे नहीं हैं। तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनकी शिक्षा को लेके या उनकी सेहत को लेके ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। तो उसी के लिए हमने जो है एक हमारा एक हॉस्पिटल खोलने का मेन उद्देश्य भी यही था। शहर के अंदर बीचों बीच हमने अस्पताल खोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बुरहानपुर वासियों को, ज़िले को मतलब जो है अच्छी सुविधाएं दे सकें, जिससे कि पेशेंट्स भी जो है यहाँ से बड़े अस्पतालों में इंदौर जलगांव जो रिफ़र होते हैं या रास्ते में ही जिनकी हम देखते हैं कहीं उनकी जाने चले जाती है सही इलाज नहीं मिलने पर। तो कोशिश हमारी यही है कि हम अच्छे से अच्छा इलाज यहीं पर दे पाएँ बुरहानपुर में।